वहीं बुरहानपुर जिले के धुलकोट क्षेत्र में आदिवासी फालियाओं के सड़क मार्ग खराब होने से स्थानीय निवासियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सड़क के सही न होने से प्रसूति महिलाएं और बीमार मरीजों को खटिया, बैलगाड़ी आदि साधनों से मुख्य मार्गों तक लाना पड़ रहा है। बता दें कि ऐसा ही एक और मामला धुलकोट के माफी फालिया से सामने आया है, जहां आज एक व्यक्ति खराब सड़क मार्ग पर वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। वहीं जब घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस को फोन किया, तब एम्बुलेंस वाहन तो समय पर पहुंच गया, लेकिन आगे सड़क मार्ग खराब होने से वाहन आगे नहीं जा सका। ऐसे में घायल व्यक्ति के परिजनों को मजबूरन 1 किलोमीटर तक की मुख्य सड़क पर घायल व्यक्ति को खटिया पर लेटा कर लाना पड़ा, जिसके बाद एम्बुलेंस वाहन से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार धुलकोट के माफी फालिया में सड़क मार्ग की उचित व्यवस्था न होने पर पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, मेन रोड पे खड़े रहना पड़ता है। बहुत सी जगह हैं ऐसे रोड खराब हैं जहाँ पे, लेकिन टाइम पे गाड़ी तो पहुंच जाती है, लेकिन पेशेंट के पास जहाँ जाना रहता है पेशेंट के पास, वहाँ रास्ते खराब हैं तो क्या कर सकते हैं। टाइम टाइम पे गाड़ी भी पहुंच जाती है, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से पेशेंट को उतनी दूर से लाना पड़ता है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, जिस तरीके से सड़क की जर्जर स्थिति देखी जा रही हो और लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या लगता है लोगों को इस समस्या से कब तक निजात मिल सकती है? जी आकांक्षा जी, बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार जो है सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क ढूंढने में भी परेशानी हो रही है लोगों को। अब यहाँ पर जिस तरह से ग्रामीण अंचलों की बात करें, तो ग्रामीण अंचलों में तो स्थिति यह है कि वहां तो सड़क ही गायब है, जिसके चलते ना तो कोई एम्बुलेंस पहुंच पाती है, ना ही किसी प्रकार से कोई साधन पहुंचते हैं। यदि हम बात करें किसी प्रसव के लिए, यदि कोई महिला को पीड़ा होती है, उस समय जो है एम्बुलेंस या तो पहुंच नहीं पाती, और यदि पहुंचती है तो रास्ते में ही प्रसव हो जाता है। ये तस्वीर कोई पहली तस्वीर नहीं है, इसके पहले भी एमके न्यूज ने काफी जो है इस बात को प्रमुखता से दिखाया था जी, लेकिन अभी तक जो है स्थिति जस की तस बनी हुई है जी। वहीं गोपाल जी, अगर बात करें तो क्या इस मामले को लेकर अभी तक कोई शिकायत दर्ज कराई गई है या किसी अधिकारी को इसके बारे में कोई सूचना दी गई हो? जी, ग्रामीण अंचलों में लगातार जो है इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। जिस तरह से धुलकोट क्षेत्र में मामला आया है कि जिस तरह से खटिया पर लेकर के जो है मरीज को लेकर के आना पड़ा, और उसके बाद 1 किलोमीटर तक जो है खटिया पर लाया, उसके बाद एम्बुलेंस में उसको बैठाकर इलाज के लिए लेकर के आया। ये इस तरह की तस्वीर जो है अधिकारियों तक भी पहुंच रही है, और अधिकारी जो है इस तस्वीर को देखने के बाद भी मौन, आखिरकार मौन है। ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से भी हम बात करें कि आज बुरहानपुर के सड़कों के गड्ढे देखने के लिए जो है सांसद स्वयं निकले, और सांसद ने जो है NHAI के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। अब देखना होगा कि जिस तरह से 7 दिन का मौका दिया है, और 7 दिन बाद कहा गया है कि बुरहानपुर जो है शहर के अंदर जो गड्ढे हैं इंदौर इच्छापुर हाईवे पर, वो गड्ढे बुझाए जाएंगे, लेकिन ग्रामीण अंचलों की व्यवस्था बहुत ही जर्जर देखने को मिलती है, और बहुत ही दुर्दशा यहाँ पर मरीजों की होती है जी आकांक्षा। वहीं गोपाल जी, अगर बात करें जिस तरीके से आपने बोला है कि 7 दिन का समय अधिकारियों ने लिया है, या सांसद जिस तरीके से दौरा करने के लिए निकले उसके बाद 7 दिन का समय मांगा गया है, ग्रामीणों की अगर बात करें तो रोष देखने को मिल रहा है, क्या लगता है 7 दिन बाद क्या कुछ अहम एक्शन इस मामले में लिया जा सकता है? आकांक्षा जी, इस तरह से 7 दिनों का जो समय दिया है वो ग्रामीण अंचलों के लिए नहीं है, बल्कि बुरहानपुर शहर में जिस तरह से जो बड़े बड़े गड्ढे इंदौर इच्छापुर हाईवे जो कि शनवारा से लेकर शिकारपुरा गेट, जहां पर लगातार जो है यहां भी दुर्घटना हो रही है, और ग्रामीण अंचलों में तो स्थिति बद से बदतर हम कह सकते हैं। जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई है कि खटिया पर ले लाकर के जो है मरीज को लाया जा रहा है, 1 किलोमीटर तक जो है मरीज को खटिया पर लाया, और उसके बाद जो एम्बुलेंस उसको मिल पाई है, ये स्थिति लगातार जस की तस बनी हुई है। आखिरकार जो है सांसद की पहल आज जिस तरह से शहर में दिखाई दी, अब इसके बाद जो है ग्रामीण अंचलों का दौरा भी करेंगे, और ग्रामीण अंचलों का दौरा करने के बाद स्थिति में सुधार हो सकता है। वहीं गोपाल जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि आवाजाही में बहुत तरीके की परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। आपकी बात हुई होगी, क्या लगता है ग्रामीणों की किस तरीके की प्रतिक्रिया इस पे देखने को मिल रही है? ग्रामीणों का लगातार एक ही चीज होती है कि हम लोगों को जो है शहर तक पहुंचने के लिए
कोई साधन नहीं पहुंच पाते हम लोग। खास करके जो बारिश की बात करें तो बारिश में जो सड़क ही नजर नहीं आती है, क्योंकि वहां पर अधिकांश जो सड़कें पहुंच मार्ग है वो कहीं ना कहीं जो है नालों से होकर गुजरते हैं, और इन दिनों में जो है नाले नाले लबालब भरे होते हैं, तो जिसके चलते वहां पर साधन नहीं पहुंचते, नहीं कोई एम्बुलेंस पहुंचती है, और जिस तरह से वहां से पहुंचने के लिए शहर तक जो है काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी आकांक्षा, ठीक है गोपाल देवकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ आज साझा करने के लिए। तो साथ ही आप ये बुरहानपुर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सड़क की जर्जर स्थिति से आवाजाही में ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। आप ये भी देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से मरीज को खटिया पर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि आगे का जो सड़क मार्ग है उसका रास्ता काफी खराब है, और कहीं ना कहीं अस्पताल तक पहुंचने में भी अब मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।